किसी शायर ने लिखा है कि बड़ी शिद्दत से बनाया था ये सपनों का आशियाना, कमजोर नींव ने सब चूर चूर कर दिया। पहले ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी, फिर गाजियाबाद और अब दिल्ली के द्वारका में इमारत ढहने की खबर ने मानव प्रशासन की कमजोर नींव को हिलाकर रख दिया है। एक के बाद एक जिस तरह से लोगों के सपनों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो रहे हैं, उसने लोगों के सपनों के साथ साथ परिवारों के जीवन की डोर भी तोड़ दी है। लोग अपने जीवन की खून पसीने की कमाई से जैसे तैसे करके अपनी एक छत का सपना देखते हैं, लेकिन NCR में बिल्डर, पुलिस और प्रशासन के मिली भगत के मसाले से बनी इन बिल्डिंगों का क्या हाल है, देश के सामने साफ है। आलम यह है कि दिल्ली NCR में ही ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं जो कब ताश के पत्तों की तरह गिर जाए कोई भरोसा नहीं कर सकता। लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेलने का ये खेल बड़े ही बेहतरीन तरीके से खेला जा रहा है। किस तरह से प्रशासन की नाक के नीचे बिल्डर घटिया मसाले से बिल्डिंग को तैयार कर देता है, बैंक वाले फिर बिना जांच परख के उस बिल्डिंग पर लोन पास कर देते हैं और फिर प्रॉपर्टी डीलर अपने फायदे के लिए लोगों को मौत के इस आशियाने में धकेल देते हैं। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद की जो बिल्डिंग कई लोगों की मौत की वजह बनी थी, वो पूरी कॉलोनी ही अवैध तरीके से बनी थी। खैर, अपनी ही छत के नीचे दबने से हुई मौतों के बाद प्रशासन ने आंख खोली है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने जो इमारत खराब हालत में है उन्हें 7 दिन का समय दिया है। इसके लिए प्राधिकरण ने 35 संवेदनशील इमारतों के मालिकों को भी नोटिस भेजा है।